लगाया ना इन्होंने, ये होता है वो फाइबर लिफ्टिंग लिफ्ट किया लेकिन ये फाइबर पटे का शक्ल है, फुटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है चढ़ने के लिए, ये भी एक फाइबर का ही है। हमारे पुराने मंत्री वगैरह गाड़ियां लेकर नहीं जाते थे, एम्बेसडर है ना, उस तरीके का ये इन्होंने बनाया हुआ है एम्बेसडर का। ये इसका सनरूफ का तो करना इसको बंद, ये देखो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो आपको पता ही है, ब्लॉग आपने देखा ही होगा पिछला कि हाँ हम वीडियो शूट करने आए थे, तो जिप्सी की वीडियो शूट करने लगे हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें डिटेलिंग में बताऊंगा पूरा ए टू जेड कि यहाँ पे इसमें क्या क्या हुआ है, क्या मॉडिफिकेशन हुई है, क्या चेंजेस हुई है, ठीक है। तो दो बच्चे भी आए, क्या नाम है आपका? हैं इरफान, कहाँ रहते हो आप? अच्छा, ये देखो दोनों आ गए, हम वीडियो शूट करने लगे थे। तो करते हैं भाई इसकी बात। तो पहले आप करो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, फिर आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या है, ठीक है। सिनेमैटिक शॉट्स आपने कही होंगे, एंजॉय गाइस, तो सब कुछ दिखा दिया उसमें मैंने। तो चलो अब आपको हम डिटेल में सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से, ठीक है। तो ये लगा है जी अपना लोगो, उसके बाद आते हैं पीछे, अब पूरा दिखाते हैं आपको। तो फेस कुछ इस तरह का है इसका, ठीक है। बम्पर पे ब्लैक कलर की टेपिंग की हुई है अलग से लुक देने के लिए, और मिरर्स वगैरह आज भाई ने पेंट किए हैं, देख रहे हो आप पूरे ऐसे चमक रहे हैं। तो ऊपर लगी है अपनी एक बार लाइट फुल साइज वाली, तो साथ में लगा है स्नॉकल। तो वर्किंग वाला है, नॉन वर्किंग स्लॉकर है, सिर्फ मतलब वो लगाया है इसको डेमो के लिए, शो के लिए लगाया हुआ है, वर्किंग भी हो सकता है अगर चाहें तो। उसके बाद बात करते हैं इसकी हेडलाइट्स भी इसकी चेंज हैं, और अलग ही हेडलाइट्स हैं, देख रहे हो आप, ये पूरी रिंग है, फिर उसके बाद में बीच में एक क्रॉस डाला हुआ है, तो ये दोनों भी जलते हैं। तो ये देख लो, लाइट जला के दिखा दिया आपको मैंने, ये पूरी इसकी हाई बीम लो बीम जग गई थी, और ये रिंग जल रही है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले भी जल रहे हैं, जलाना ये, और ये भी चल रहा है रिंग्स, ये इन्होंने लगवाए अभी, चेंज कराया, नए लगाए, ठीक है। तो लाइट्स आपको अभी दिखेंगे नहीं, और ये ऊपर फ्लैशर भी लग गए हैं, नए लगाए हैं, ये भी इंस्टॉल हुए हैं, देख रहे हो। और अंदर एक रेड कलर की लाइट भी है, देख रहे हो, जो रात में बहुत अच्छी लगती है, इसमें इसकी जाली में से निकल के आती है ना, बहुत सही लगती है। चलो तो लाइट का कर दो बंद, हाँ चल रहे हैं, इंडिकेटर भी चल रहे हैं, सब चल रहा है। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट से, और कि इसमें है ये जो इसकी फ्रंट वाली ग्रिल है, ये अलग सी ग्रिल, एंग्री बर्ड टाइप ग्रिल लगाई हुई है, जैसे थार में लगती है ना एंग्री बर्ड वाली, वो वाली ग्रिल लगी हुई है, और नीचे इसका लोहे का बम्पर लगा हुआ है। और अभी इसमें थोड़ा सा काम करना बाकी है, क्योंकि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे ना इस बम्पर को, तो और सही हो जाएगा, वैसे लगती सही है आगे से, बस थोड़ा पीछे से इसको सेट करने का। चलो वो वाली बातें रही अलग से, अब इसके टायर पे चलते हैं। तो टायर से पहले मैं आपको उधर नीचे दिखाता हूँ, जो ये रेड कलर की लाइट दिख रही है ना आपको, सारी बॉडी ये रेड कलर का पेंट किया, ये जो शक्ल लगाया ना इन्होंने, ये होता है वो फाइबर लिफ्टिंग लिफ्ट किया लेकिन ये फाइबर पटे का शक्ल है, तो फाइबर पटा इसमें अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, इसमें वही लोहे के पटे ही हैं। तो लेकिन अगर जब फाइबर पटा इसमें अगर लग गया ना, तो और ज्यादा हाइट में हो जाएगी ये, तो ये मतलब लिफ्टिंग शैकल्स होते हैं, कंफर्ट भी हो जाता है, मतलब जंप वगैरह नहीं फील करते इतने। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, लिफ्टिंग किट की वजह से वो बहुत ज्यादा लिफ्ट हो गई है, उसकी रॉड्स वगैरह भी चेंज की हुई है उन्होंने। तो अब जहाँ से लाया वहीं से, अब साइड से विशाल भैया भी आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हो कितनी लिफ्ट है। तो विशाल भैया आप दो ना थोड़ा रिव्यू दो उसका। तो फेंडर्स के जो साइड वाले गार्ड्स हैं, फेंडर्स हैं, ये भी लोहे के हैं, ये फाइबर के हैं, फाइबर है ना, फाइबर है, ये फाइबर के हैं, और मतलब देख रहे हो खुद डिजाइन करके लगाए हुए हैं उन्होंने। और उसके बाद यहाँ पे नट बोल्ट से इनको उसको बोल्ट किया हुआ है। अब टायर की बात करते हैं, तो टायर इसका कितने इंची हुआ, 235/75 R15 गुड ईयर, 235/75 R15, तो मतलब 15 इंच का इसका लॉ है, और टायर भी इसका 15 इंच का, देख रहे हो कितना चौड़ाई में है टायर, अभी नया डलाया टायर, तो बिल्कुल नया टायर है, देख रहे हो सारी गुड्डी अभी तक नहीं, सही सलामत है। और साइड पे आ जाएं तो कुछ इस तरह से हाफ इसको रैप किया हुआ है, विंडो भी टेप की हुई है इसकी, उसके बाद कोई फुट रेस्ट वगैरह कुछ नहीं है चढ़ने के लिए, ये भी एक फाइबर का ही है,
पार्ट है जो उसको इसके साथ बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है पूरा, और मतलब काफी अच्छी लगती है और इसी वजह से ये ऊंची भी लगती है क्योंकि इसमें कोई फुटरेस्ट वगैरह नहीं है। तो आप ग्राउंड क्लियरेंस देखना चाहोगे तो ये देखो, मैं नीचे बैठा ना तो देखो कितना कितनी क्लियर है नीचे से, ये मतलब हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी। फिर उसके बाद वैसे ऑफ रोडिंग में आपने देखी होगी जब ये कितनी ज़्यादा मतलब पहाड़ वगैरह छोटा मोटा सब चढ़ जाती है, कोई टेंशन नहीं है इसको। और बैक साइड से बात करें तो ये थोड़ा ना जो हमारे पुराने मंत्री वगैरह गाड़ियाँ लेकर नहीं जाते थे, एम्बेसडर है ना, उस तरीके का ये इन्होंने बनाया हुआ है एम्बेसडर का। तो इन फ्यूचर अगर हुआ प्लान तो उसको रैली कैबिन में चेंज करना है। प्लान कोई प्लान है लेकिन करेंगे इन फ्यूचर चेंज करेंगे, इसको रैली कैबिन में बनाएंगे। ये थोड़ा एम्बेसडर टाइप लुक देता है अभी पीछे से। तो और पीछे चले जाएँ, तेल का टैंक इसका यहाँ पर, और पीछे से आ जाएँ तो ये हमारा बम्पर वगैरह टूटा था जो ऑफ रोडिंग पे गए थे हम। बाकी इसका वो क्या बोलते हैं टोइंग हुक हमने निकाल दिया हुआ है, तो वो भी इंस्टॉल करना है जब ये बम्पर ठीक करके। ये लोहे का है पूरा, ये इसको ये हो जाएगा सेट पूरा। लाइट्स वगैरह भी नहीं लगानी है, और पीछे इन्होंने एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगाई हुई हैं। रिवर्स पे चलती है या ऐसे भी? रिवर्स पे चलती हैं सारा, मतलब पीछे क्लियर दिखता है कि रात को कोई प्रॉब्लम ना हो। साइड से बात करें तो सेम है, फेंडर्स वगैरह वही लगे हुए हैं, सेम टायर मतलब जो साइड से इसी साइड से वही है सेम चीज़। बाकी इधर से ऊंची इसीलिए लगती है यार, फुट रेस्ट नहीं है, फुट रेस्ट की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। ऐसे भी ऊंची है, लिफ्ट गेट लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो अगर फुट रेस्ट होता तो थोड़ी डाउन लगती है गाड़ी, वो नहीं है तो ज़्यादा ऊंची लग रही है। साइड से कुछ ऐसी है, ऊपर बार लाइट वगैरह सब मैंने आपको दिखा दिया। तो अब चलते हैं इसके अंदर और अंदर से दिखाते हैं भाई अंदर से ये कैसी है। तो इस तरह से कुछ अंदर से देख रहे हो, पहले विंडो दिखाता हूँ आपको। विंडो इन्होंने लेदर में वो रैप किया हुआ, देख रहे हो रेड कलर की स्टिचिंग है बीच में और ब्लैक कलर का लेदर से रैप किया हुआ इंटीरियर। और यहाँ से कुछ इस तरह से, और ये इसका आ गया डैशबोर्ड, सिंपल ही, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक टच स्क्रीन इंस्टॉल की हुई है। बाकी मोमो का स्टेयरिंग इंस्टॉल है इसमें, और जिनको नॉलेज होगी उनको पता ही है मोमो का स्टेयरिंग मतलब किस चीज़ के लिए बेटर होता है, लुक डिज़ाइन, और मतलब कि छोटा सा होता है ये, मज़ा भी आता है इसको चलाने में गाड़ी में। और ऊपर से भी इन्होंने एक सनरूफ, और बाकी ऊपर से पूरी गाड़ी रैप, अंदर से देख रहे हो ब्लैक और रेड कलर की स्टिचिंग में सारी रैप है। ये सनरूफ भी एक दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक है ये, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले बैठने के लिए देखो ना, कोई फुट रेस्ट नहीं, डायरेक्ट चढ़ना पड़ता है और फिर आके यहाँ पे बैठते हैं। चलो जी, तो अब हम आपको अंदर से और दिखाएंगे। ये मैटिंग वगैरह हुई है नीचे, पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है एम्बेसडर की लुक है। बैक शीशा जो कितना ज़्यादा बड़ा, पूरा व्यू मतलब पीछे का जो व्यू है पूरा क्लियर है। और यहाँ पर एक वॉश ट्यूब इंस्टॉल की हुई है, एम्प लगा हुआ साइड पे, दिख रहा है धूप बड़ी ज़्यादा ना, तो ऊपर से ये अपना पटा शटा पड़ा हुआ, सामान वगैरह रखने के लिए भी ठीक है, स्पीकर ये पड़े हैं और ये एक स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है। तो स्पीकर की प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी की तरह के फिट की हुई है, और एम्प वगैरह सब अच्छी तरह से फिट है, सामान रखने के लिए भी काफ़ी जगह बची हुई है। जब रैली कैबिन कन्वर्ट होगी इतने पोर्शन में ही करेंगे कन्वर्ट इसको, बस थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा ऊपर से, अभी ऊपर से स्पेस ज़्यादा है बस तब थोड़ा कम हो जाएगा। लाइट एक दी हुई है यहाँ पे, एक ये लाइट ठीक है, कैबिन लाइट। चलो और बाकी हम आपको इसका साउंड सिस्टम सुनाते हैं, इसके साउंड सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो साउंड सिस्टम आपने सुन लिया होगा, पंजाबी गाना सुनाया लेकिन 7 सेकंड का सुनाया हमने, बहुत है ये भी, तो मतलब ठीक है जितनी ये गाड़ी है इस हिसाब से साउंड सिस्टम काफी अच्छा है। और ये जो स्विच लगा है ये लगाया ये इसका सनरूफ का, तो करना इसको बंद, ये देखो धूप आ रही थी बंद हो गया शुक्र है, अंदर से पूरा ब्लैक किया होगी, बाहर से कोई धूप वगैरह ना अंदर आए तो ये सही चीज़ है, अब अंदर धूप नहीं है। और इसमें हॉर्न लगे वही अपने सिंपल पाँव वाले जो हॉर्न होते हैं वही हैं, बाकी इसके जो नीचे पैडल्स हैं इनमें इन्होंने एक्स्ट्रा से लगाया हुआ है एक मैट, किससे है, रबड़ का है या फिर लोहे का है क्या? ये जो पैडल्स पे लोहे का है ना, बीच में रबर है, बाहर लोहे का डिजाइनिंग है पूरा, ठीक है घिसेंगे नहीं जल्दी, जैसे घिस जाते हैं ना कई गाड़ियों के तो घिसते नहीं है, ये घिसेंगे नहीं। बाकी आप देख सकते हो सेंट्रल लॉकिंग वगैरह सब कुछ इंस्टॉल है इसमें, और सीट कौन सी सीट्स हैं, किस गाड़ी की, i10 की सीट्स हैं ये, सेंट्रल लॉकिंग भी पूरी इसमें इंस्टॉल है, सुन ली होगी आपने। और विशाल भैया आप बताना चाहो कुछ इसके बारे में जो मेरे को ना पता हो अभी, सभी पता आपको आपके साथ गए हम ऑफ रोडिंग पे तो फिलहाल यही है इसके बारे में। बाकी ये देखो 4x4 इसकी मुंडी देख रहे हो, स्कल वाला इन्होंने 4x4 रखा हुआ है, ये स्प्रे पेंट रखी है इन्होंने, आज जो स्प्रे कर रहे थे ब्लैक है, खुद ही डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है। तो
तो बाकी और कुछ नहीं था अभी, और इन फ्यूचर अभी मैं थोड़े बहुत काम और करवाने वाले हैं, जो करवाएंगे वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे जब काम करवाते रहेंगे। तो इसमें अभी तक जो था मैंने आपको सब बता दिया, लिफ्ट किट वगैरह जो भी बाहर से थी गाड़ी अंदर से सब कुछ ए टू जेड बता दिया इसमें। तो अब आपके ऊपर है, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी है गाड़ी, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। विशाल भाई भी अब चैनल बना रहे हैं, जल्दी आ रहे हो ना? आ रहे हैं। जैसे विशाल भाई का चैनल आता है उसका भी हम आपको लिंक देंगे, फिर ये भी अब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं करवाते हैं इनका भी चैनल स्टार्ट, और दोनों भाई साथ में निकला करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर। देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो क्या होगी। एक गाड़ी हो रहा है उसका भी शूट करना था, लेकिन वो अभी नहीं, किसी और दिन शूट करके वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।